तो गाइस जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा, हमारा आयरन मैन इस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन जाता है, जिसके बाद वो सभी अवेंजर्स को मारने लगता है, लेकिन हमारा हल्क कुछ भी करके उसे हरा देता है और फिर हम इस ज़ॉम्बी वायरस से हमारे आयरन मैन को फ्री कर देते हैं। लेकिन अभी भी ये ज़ॉम्बी वायरस हमारे लॉस सैंटोस में फैला हुआ है। तो क्या गाइस आज हम हमारे इस ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर पाएंगे या फिर हम भी ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन जाएंगे? तो आयरन मैन, हमने यहाँ पर तुम्हें तो बचा लिया है, लेकिन अभी आगे का क्या प्लान है? और फ्रैंकलिन, सबसे पहले तो हमें उस ज़ॉम्बी हल्क को ढूंढना होगा और उसे ढूंढ के उसे मारना होगा। अबे आयरन मैन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि यार वो कम से कम भी 20-25 ज़ॉम्बी हल्क है और वो उनकी पूरी आर्मी आई हुई है, तो यार हम अकेले तो उन्हें नहीं मार सकते हैं। तो फ्रैंकलिन, हमें कुछ भी करके इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना होगा। अरे हाँ आयरन मैन भैया, आप ना बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अबे क्या ठीक बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है यार हम सभी अवेंजर्स उन्हें मारने में लगे थे और उन्हें मारने में यार कितनी मेहनत लगी है वो तुम इन अवेंजर्स से पूछो। अरे हाँ आयरन मैन, हमने बहुत ही मुश्किल से उन ज़ॉम्बी वायरस को खत्म किया था, लेकिन ये ज़ॉम्बी वायरस तो अभी बढ़ता ही जा रहा है। अरे हाँ टोनी स्टार्क, हमारा स्पाइडरमैन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम सब ने मिलकर उसे हराने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी इतने ज्यादा है कि उन्होंने मुझ पर भी अटैक कर दिया था। अरे हाँ टोनी स्टार्क, तुम तो उस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार बन गए थे, लेकिन उनसे हम कैसे लड़े हैं वो हम ही जानते हैं। अबे हाँ यार, और तुम्हें पता है जब तुम ज़ॉम्बी बन गए थे तो सबसे ज्यादा मेहनत तो यार तुम्हें हराने में लगी थी और उसमें यार हमारे स्पाइडरमैन को कितना पिटना पड़ा था। अरे हाँ टोनी स्टार्क, फ्रैंकलिन बिल्कुल ठीक बोल रहा है, तुम्हें हराने के चक्कर में मुझे बहुत ही पिटना पड़ा था। ये देखा आयरन मैन, मैं बोल नहीं रहा हूँ इन ज़ॉम्बीज को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो अभी बताओ तुम्हारे पास कोई प्लान है या फिर हम वैसे ही खड़े हैं? फ्रैंकलिन, मेरे पास अभी एक प्लान तो है। तो आयरन मैन, तुम देर किस चीज की कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी से अपना प्लान बताओ क्योंकि अभी ये ज़ॉम्बी वायरस काफी बढ़ता ही जा रहा है। फ्रैंकलिन, अगर हम अपने सभी अवेंजर्स की पावर हमारे सिंचन में डाल देते हैं तो हमारा सिंचन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा कि वो इस ज़ॉम्बी वायरस को हरा भी सकता है। अरे हाँ आयरन मैन भैया, इसमें तो काफी ज्यादा मजा आएगा। अबे बेवकूफ सिंचन, क्या मजा आएगा, तुझे पता भी है हमारे ज़ॉम्बी वायरस को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है। अरे आयरन मैन यार, हमारा सिंचन तो बिल्कुल छोटा है, तो क्या वो हमारे अवेंजर्स की पावर को संभाल सकता है? अरे फ्रैंकलिन भैया, आप भी क्या बोल रहे हो, आज पहली बार तो मुझे अवेंजर्स की पावर मिल रही है, अब थोड़ी देर के लिए चुप रहो ना। अबे सिंचन, तुझे उस ज़ॉम्बी वायरस से फाइट करनी है तो सोच ले। अरे फ्रैंकलिन भैया, आप ना उसकी टेंशन मत लो, मैं उन ज़ॉम्बी से आराम से फाइट कर लूंगा। तो ठीक है आयरन मैन, अगर तुम सभी अवेंजर्स यहाँ पर खुश हो और सिंचन भी यार तैयार है तो जल्दी जल्दी से अभी हमारे सिंचन पर एक्सपेरिमेंट शुरू करो। तो ठीक है गाइज, अभी मैं सिंचन को हमारे सभी अवेंजर्स की पावर देने वाला हूँ, जिसमें कि उसे हल्क की पावर, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और मेरी पावर मिलने वाली है। तो सिंचन, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरे हाँ आयरन मैन भैया, मैं तो इसके लिए बचपन से ही तैयार हूँ। तो गाइज, हमारा आयरन मैन यहाँ पर अभी हमारे सिंचन में अपनी सभी पावर्स डालने लगा है और हमारा सिंचन अभी अवेंजर बनने जा रहा है। लेकिन गाइज, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार एक बार जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो ताकि हमारे सिंचन में सभी पावर्स आसानी से आ सके। अरे हाँ गाइज यार, ये देखो यहाँ पर मैं अभी अवेंजर बनने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करोगे मैं भी एक अवेंजर बन जाऊंगा। सो 3, 2, 1। तो ये लो सिंचन, मैंने तुम्हें हमारे सभी अवेंजर्स की पावर डाल दी है, लेकिन ये पावर सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही है, तो तुम्हें इस ज़ॉम्बी वायरस को जल्दी से जल्दी हराना होगा। ठीक है आयरन मैन भैया, लेकिन मुझ में तो कोई पावर लग ही नहीं रही है। अरे सिंचन, तुम जिस भी अवेंजर के बारे में सोचोगे तुम्हारे अंदर उसकी ही पावर आ जाएगी। तो ठीक है गाइज, अभी मैं यहाँ पर हमारे हल्क भैया के बारे में सोचता हूँ, क्योंकि हल्क भैया हमारे फेवरेट है, तो मुझ में हल्क की पावर आ जाए। 3, 2, 1। अबे सिंचन, ये तू क्या बन चुका है, मुझे तो लगा था कि यार तू ग्रीन हल्क बनेगा, लेकिन तू ये ब्लू हल्क कैसे बन गया? अरे आयरन मैन भैया, मुझ में ये क्या हो रहा है? अरे दरअसल सिंचन, तुम्हारा ब्लड ब्लू है, इसीलिए तुम यहाँ पर ब्लू हल्क बने हो। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर अभी मैं ब्लू हल्क बन चुका हूँ और यहाँ पर तो ये काफी ज्यादा ज़ॉम्बी है, लेकिन ये देखो मेरे अंदर तो हमारे हल्क भैया की सारी पावर आ चुकी है और ये ज़ॉम्बी तो अभी मेरा कुछ भी नहीं कर पा रही है। मैं यहाँ पर इस कार को उठाता हूँ और यहाँ पर तो काफी ज्यादा ही ज़ॉम्बी है, ये देखो ज़ॉम्बीज, अभी मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अबे सिंचन, तू इन ज़ॉम्बी से थोड़ा बच के रही हो क्योंकि ये काफी ज्यादा ही खतरनाक है। अरे फ्रैंकलिन,
तुम इसकी टेंशन मत लो, हमारा सिंचन अभी काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये ज़ॉम्बी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हमारे आयरन भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और ये देखो मैं इन ज़ॉम्बीज का क्या हाल कर रहा हूँ, ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। सिंचन अभी तेरे सामने बहुत ही सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं तो तू थंडर क्लैप मार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ये देखो मैं यहाँ पर इन पर थंडर क्लैप मार रहा हूँ और मेरी थंडर क्लैप तो काफी ज्यादा खतरनाक ही है। अबे हाँ यार, सिंचन के पास जब से हल्की पावर आई है ये तो इन ज़ॉम्बीज को बिल्कुल छोड़ भी नहीं रहा है। और सिंचन ये तू क्या कर रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, पता नहीं जब से मैं हल्क बना हूँ मुझ में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अबे हाँ यार, वो तो इसीलिए क्योंकि हमारा हल्क बहुत ही गुस्से वाला है, तो तू जल्दी जल्दी से इन्हें मार। तो ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ये लो मैं इन सभी को मारता हूँ और ये आज मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। ये देखो मैं इनका क्या हल करता हूँ। सिंचन अभी तू अपनी एटॉमिक स्लैम मार। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ये देखो मैं यहाँ पर अपनी एटॉमिक स्लैम भी मारता हूँ। तो सिंचन यहाँ पर तूने अभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया है, तो यहाँ का एरिया तो ज़ॉम्बी फ्री हो चुका है, लेकिन अभी तू दूसरे एरिए में जा। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन अभी मैं हल्क बने बने काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं दूसरा एवेंजर बनने जा रहा हूँ। तो सिंचन बता यार, अभी तुझे क्या बनना है? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैंने यहाँ पर अभी स्पाइडरमैन बनूंगा क्योंकि मुझे स्पाइडरमैन की पावर काफी ज्यादा अच्छी लगती है। तो ठीक है सिंचन, अभी तू ग्रीन हल्क की पावर के साथ यहाँ पर ब्लू हल्क बना था, लेकिन अभी पता नहीं यार तू हमारे स्पाइडरमैन की पावर के साथ क्या बनने वाला है, तो चल अभी जल्दी जल्दी से स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो जा। अरे ठीक है गाइज, अभी मैं स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो रहा हूँ, लेकिन अगर आपने अभी तक कमेंट में सिंचन नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में सिंचन लिखो, और जैसे ही आप सिंचन लिखोगे मैं स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो जाऊंगा। 3, 2, 1। अबे सिंचन ये देख, यहाँ पर तू स्पाइडरमैन बन चुका है, लेकिन तू तो हमारा काफी अलग वाला स्पाइडरमैन बना है। यार मुझे लगता है कि ये हमारा आयरन स्पाइडरमैन है, क्योंकि हमारे आयरन मैन ने भी हमारे सिंचन में अपनी पावर डाली थी ना, तो ये काफी ज्यादा ही मस्त बन चुका है। सिंचन यहाँ पर काफी ज्यादा ज़ॉम्बी है, तो तू इन्हें मारता क्यों नहीं है? अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, ये देखो मैं इन्हें क्या ही मस्त मस्त मार रहा हूँ और ये तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। आज मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बुढ़े अंकल का देखो मैंने क्या हल कर दिया है। अरे आंटी आप दूर हटो। अबे सिंचन तू इन्हें आराम आराम से मार, कहीं यार ये बिल्कुल ही ना मर जाए। अरे फ्रैंकलिन भैया आप उसकी टेंशन मत लो, मुझे तो यहाँ पर हमारे स्पाइडरमैन भैया की पावर काफी ज्यादा मस्त लग रही है। अरे गाइस यार, अगर मैं सच बताऊँ ना, हमारे हल्क भैया से भी अच्छे तो हमारे स्पाइडरमैन भैया हैं, क्योंकि देखो ये क्या मस्त मस्त तरीके से मारते हैं। अबे बेवकूफ सिंचन, तू यहाँ पर हमारे स्पाइडरमैन की तरह उछलता कूदता रहेगा या फिर हमारे स्पाइडरमैन की कोई पावर भी यूज करेगा? अरे ठीक है गाइस, यहाँ पर अभी मैं अपने स्पाइडरमैन भैया की पावर टेस्ट करने जा रहा हूँ, और ये देखो मैंने अपने एक ही बार में यहाँ पर सभी ज़ॉम्बी को अपने जाल में फंसा दिया है। तो ठीक है सिंचन, यहाँ पर तूने सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी जल्दी जल्दी से दूसरे एरिया में पहुँच, वहाँ पर कुछ लोग बचे हुए हैं तो तुझे उन्हें भी बचाना होगा। अरे ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं जल्दी जल्दी से वहाँ पर पहुँचता हूँ। और गाइजर आपको हमारे स्पाइडरमैन की पावर कैसी लग रही है मुझे जल्दी जल्दी बताओ। और ये देखो यहाँ पर ये इतने सारे लोग हैं, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये देखो मैं अपनी पावर के साथ तुम्हारा क्या हल करता हूँ। यहाँ पर ये लोग बच चुके हैं, लेकिन आज मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अबे हाँ सिंचन, लेकिन बेवकूफ तू थोड़ा संभल के रही हो, कहीं ये तुझे मार ना दे। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, आप उसकी टेंशन मत लो, आज तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। अबे बेवकूफ, तेरे मजे मजे के चक्कर में कहीं तेरी पावर खत्म ना हो जाए और फिर तू कहीं बीच में ही फंस जाए। अरे नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। लिटरली गाइस यार, आप कुछ भी बोलो, लेकिन यार हमारा सिंचन जब से हमारा एवेंजर बना है ये काफी ज्यादा ही ओवर पावर हो चुका है, और ये एक्साइटमेंट में काफी ज्यादा ही लोगों को मारता जा रहा है। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं नॉर्मल लोगों को नहीं मार रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ज़ॉम्बी को ही मार रहा हूँ। अबे हाँ यार, मेरे कहने का मतलब वही था। तो चल ठीक है सिंचन, अगर तू यहाँ पर अभी स्पाइडरमैन भी बन लिया हो तो जल्दी जल्दी से अभी हमारा अगला एवेंजर बन। अरे हाँ यार, वो तो मैं भूल ही गया, तो चलो अभी जल्दी जल्दी से मैं दूसरा एवेंजर बनता हूँ। अबे सिंचन तू यहाँ पर ये क्या बन चुका है? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं तो यहाँ पर हमारे आयरन मैन भैया के बारे में सोच रहा था, लेकिन मैं तो यहाँ पर हल्क आयरन मैन बन गया। अबे पता नहीं यार तेरी बॉडी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, और पता नहीं हमारे आयरन मैन ने यहाँ पर हमारे सिंचन को कैसा एवेंजर बनाया है। जब भी यार कोई ये एक एवेंजर बनने की सोचता है, ये यहाँ पर काफी ज्यादा एवेंजर बन जाता है, लेकिन ये तो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है,
क्योंकि इसके पास हमारे हल्क की बॉडी है और ऊपर से आयरन मैन का सूट है। अबे बेवकूफ सिंचन, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं ना हमारे आयरन मैन भैया के सूट को संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। अबे यार, वो तो मुझे पता ही था कि यहाँ पर तू हमारे सूट को नहीं संभाल सकता है, लेकिन सिंचन अभी मुझे पता लग रहा है कि हमारे बीच पर हमारा ज़ॉम्बी हल्क है, तो तू जल्दी जल्दी से वहाँ पर पहुँच। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, मैं यहाँ पर आ तो चुका हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। सिंचन, अभी हमारा आयरन मैन बता रहा है कि हमें यहाँ पर ही हमारा ज़ॉम्बी हल्क मिलने वाला है, तो तू जल्दी जल्दी से उसे ढूंढ। ठीक है फ्रैंकलिन भैया, लेकिन यहाँ पर ये काफी ज्यादा ज़ॉम्बी है, तो सबसे पहले तो मैं इन्हें मार देता हूँ। ओए बेवकूफ सिंचन, तू यहाँ पर अपनी पावर को वेस्ट मत कर, क्योंकि अगर वो ज़ॉम्बी हल्क आ गया तो तुझे उससे भी फाइट करनी होगी। और ये देख सिंचन, हमारे सामने अभी ये ज़ॉम्बी हल्क आ चुका है, तू जल्दी जल्दी से इसे मार। अरे फ्रैंकलिन भैया, मैं तो इसे मारने जा रहा हूँ, लेकिन ये मुझे उठने ही नहीं दे रहा है। अबे बेवकूफ, तू यहाँ पर हमारी सारी पावर लगा दे और जल्दी जल्दी से इसे मार। अरे ये देखो फ्रैंकलिन भैया, मैं इसे मार तो रहा हूँ, लेकिन ये पत्थर निकाल के मुझे मार रहा है। अबे यार, हमारी ज़ॉम्बी हल्क ने तो हमारे सिंचन को पकड़ लिया है, लेकिन सिंचन तुझे इसे मारना ही होगा, तू इसे मार सकता है। अरे हाँ यार, मैं इसे मारने की पूरी ट्राई तो कर रहा हूँ, और ये देखो मैंने यहाँ पर इस पर अपनी पूरी की पूरी मिसाइल मार दी है। अरे यार, ये ज़ॉम्बी हल्क तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, और ये देखो इसने हमारे सिंचन का क्या हाल कर दिया है। सिंचन, तुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे नहीं यार, मैं ना यहाँ पर अकेले नहीं जाने वाला हूँ, मैं इस ज़ॉम्बी हल्क को मार ही दूंगा। सिंचन, तू जल्दी जल्दी से यहाँ से निकल। अरे नहीं गाइस यार, मैं ना इसे कुछ भी करके मारूंगा, और ये देखो मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी एनर्जी को लगा दिया है। आयरन हल्क, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आयरन मैन, यहाँ पर हमारा सिंचन बहुत ही ज्यादा पिट रहा है, और हमारे अवेंजर की पावर इस ज़ॉम्बी हल्क पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। आयरन हल्क, मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और ज़ॉम्बी हल्क अभी लॉस सैंटोस में आ चुका है, तो तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। अवेंजर्स, ये देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे सिंचन को किडनैप कर लिया है, और अभी मैं जैसा जैसा बोलूंगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। और ये देखो, मैं सिंचन को पानी में छोड़ आऊंगा, और अभी तुम जो भी कर सकते हो वो ज़ॉम्बी हल्क को रोकने के लिए कर लो। तो गाइज, हमारा सिंचन हमारे इस ज़ॉम्बी हल्क की कैद में है, तो क्या हम हमारे सिंचन को बचा पाएंगे या फिर नहीं, जल्दी जल्दी आप कमेंट में बताओ। और इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसीलिए अगर आप इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना चाहते हो तो जल्दी जल्दी से कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी हम इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लाएं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।